इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों? श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या 2024 में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की लहर लेकर आई है, पर इस खुशी का महत्व सबको शायद सही से समझ नहीं आया। राम मंदिर का निर्माण धार्मिक नजरिए से तो एक बहुत बड़ी बात है ही, पर यह हमारे देश के लिए, हर जाति और हर धर्म के भारतीय के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात भी है, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो इससे पहले कि आप राम मंदिर के बनने को किसी राजनीतिक प्रचार यानी कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करार कर दें, या फिर इसे किसी एक धर्म के लोगों के लिए किया गया पक्षपात कह दें, आज अध्यात्म नगरी के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या और अयोध्या वासियों के जिंदगी में आने वाले बदलाव के बारे में बताना चाहता हूं। फॉरेन ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिसमें नए एयरपोर्ट, 5-स्टार रेलवे स्टेशंस, टाउनशिप्स, रोड कनेक्टिविटी, सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट्स और भी बहुत कुछ किया गया है। अयोध्या आने वाले कुछ समय में विश्व धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण बनने वाला है। उत्तर प्रदेश आने वाले 6 महीनों में लगभग 2 करोड़ पर्यटक यानी कि टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या में लगभग 50 लग्जरी होटल्स खुलने वाले हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन होटल कंपनी, मैरियट इंटरनेशनल और सरोवर जैसे कुछ बड़े होटल चेन्स भी अपनी ब्रांचेस खोलने की तैयारी में हैं। SBI की एक रिपोर्ट की माने तो राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या में किए जाने वाला विकास से उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक बढ़ने वाला है। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 102 MOU साइन किए गए थे अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने के लिए, और अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की तैयारी के लिए लगभग 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल और टूरिज्म के विकास के चलते अयोध्या में लगभग 20,000 से ज्यादा नौकरियां भी उपलब्ध होंगी, और ये बात सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। आसपास के शहर जैसे कि कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर को भी इसका सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, अयोध्या नगरी ने दुनिया की सबसे लंबी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है। इसको चलाने के लिए 165 एकड़ का सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जो कि 47,000 टन का CO2 एमिशन भी खत्म करेगा। 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। राम मंदिर के बनने के बाद बहुत सी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स ने भी अयोध्या में अपनी हाजिरी लगाई है, जैसे कि पेटीएम, जिसने अयोध्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पार्टनर करके पूरे अयोध्या में QR कोड्स, साउंड बॉक्सेस और कार्ड मशीन्स भी लगवाई हैं। ITC की मंगलदीप अगरबत्ती ने मंदिर के अंदर एक खुशबू पथ बनवाया। मशहूर क्लोथिंग ब्रांड कैंटेबिल ने भी अयोध्या में अपना 500वां स्टोर खोला। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, कोका कोला, उबर और डोमिनोज के अलावा भी काफी सारी कंपनीज ने राम मंदिर के उद्घाटन पर्व में मार्केटिंग के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाकर अयोध्या में अपनी रुचि दिखाई है। अब इन सारी चीजों और बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें समझते हैं। हमारा देश इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में नौकरियां धर्म देखकर नहीं दी जाती हैं। तो अयोध्या और अयोध्या की वजह से पूरे देश में आने वाला विकास, आने वाला रोजगार किसी एक धर्म का नहीं है, पूरे देश का होगा। ये पूरे देश का अवसर है, ये पूरे देश की जीत है। इसमें साथ मिलकर खुशी मनानी है। अपने आसपास, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस बात के बारे में एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात सबको पता चलना देश में शांति और स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर छोड़ना। ऐसे ही कंटेंट के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।